हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड फॉर लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आज जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो बेस्ड ऑन द है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। ठीक है, तो हमें दो लाइन दी हुई है, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या दिया हुआ है और फिर उसको कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी फार्मूला हमने देखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट मोड ऑफ वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए टू माइनस पोजीशन वेक्टर ए वन डॉट पोजीशन वेक्टर बी क्रॉस बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें जब दो लाइन दी हुई रहती है, सपोज यहाँ पे ऑलरेडी हमने लाइन का इक्वेशन देखा हुआ है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए वन प्लस लैम्बडा बी वन और आर टू इज इक्वल्स टू ए टू प्लस यहाँ पे कोई दूसरा कॉन्स्टेंट टर्म म्यू जिसे इंडिकेट कर देते हैं बी टू। ओके, जब दो लाइन दी हुई है तो ये हमारा देखिए वेक्टर ए होता है और ये जो लैम्बडा और कॉन्स्टेंट टर्म के साथ होता है वो हमारा वेक्टर बी होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें ए टू माइनस ए वन करना है, फिर बी वन क्रॉस बी टू फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करना है हम देखेंगे स्टूडेंट्स, और फिर दोनों टर्म मिलने के बाद एक दो तीन टर्म चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो एक तो हमें पहले ए टू माइनस ए वन करना है, फिर बी वन क्रॉस बी वन करना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ये तीनों चीज़ फाइंड आउट करके हम फॉर्मूले पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइन वन की इक्वेशन ये है, लाइन टू की इक्वेशन ये है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए वन क्या है हमारा, दिस ए वन इज दिस, ए टू इज दिस। तो सबसे पहले हम ए टू माइनस ए वन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई माइनस थ्री आई, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस टू आई। ओके, टू जे माइनस जे हमें क्या मिल जाएगा, प्लस जे, और टू माइनस टू के माइनस के, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस के मिल जाएगा। ठीक है, एक तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए टू माइनस ए वन कर लिया, अभी हमें क्या करना है, ए वन बी वन क्रॉस बी टू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा वो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई जे के, बी वन हमारा इज दिस, बी टू हमारा इज दिस। तो पहले हम क्या करेंगे, आई जे का कोएफिशिएंट यहाँ पर लिख देते हैं, आई का कोएफिशिएंट वन है, जे का कोएफिशिएंट माइनस वन है और के यहाँ पर नहीं है तो ये जीरो हो गया। यहाँ पर देखिए आई का कोएफिशिएंट वन सॉरी टू है, जे जीरो है, के जीरो है। अब इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आई ये जीरो ये जीरो ये जीरो हो जाएगा, माइनस जे दिस इंटू दिस दिस माइनस दिस ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस के जीरो माइनस माइनस टू तो ये प्लस टू हो जाएगा, मतलब हमें क्या मिल गया, टू के मिल गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड करना है, बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, आई का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस के जे का स्क्वायर जीरो टू के का स्क्वायर फोर, तो यहाँ पे रूट फोर मतलब टू आ जाएगा। ठीक है, अभी तीनों ही चीज़ें हमें मिल गई हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने ये फॉर्मूले में पुट कर देना है। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज व्हाट दिस, यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं तो स्टेप्स नहीं दिखाना रहता है, जितना कम टाइम में आप जितने कम स्टेप्स में आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे वही आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, ये हमारा टू आ गया। अभी देखिए के डॉट के, यहाँ पर आई जे के तो है नहीं तो वो जीरो ही होगा, तो के डॉट के करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। ठीक है, टू बाई टू करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर देखिए हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर इज वन। यहाँ पे हमारे पास आंसर दिया हुआ है, येस व्हाट इज आवर राइट आंसर, आंसर वन इज अ सॉरी बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये इसमें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, यहाँ पर जो हमारा वेक्टर लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ए वन का पॉइंट हो जाएगा और ये एक्स ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ए टू का पॉइंट हो जाएगा।
और ये बी वन का डायरेक्शन रेशियो, दिस इज़ अ डायरेक्शन रेशियो बी वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ए टू माइनस ए वन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए टू माइनस ए वन हमें देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन आए, उसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, माइनस वन आए, यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है वन, यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है टू, तो वन माइनस टू करेंगे तो माइनस वन मिलेगा, और वन माइनस जे इसके वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पॉइंट क्या हमारा वन, यहाँ पे क्या है ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो वन, यहाँ पे वन के, ठीक है, ये हमें ए टू माइनस ए वन मिल गया। अभी हमें क्या करना है, बी वन क्रॉस बी टू करना है, ठीक है। तो अभी इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, आई डिटरमिनेंट्स ऑफ आई जे के, यहाँ पे देखिए बी वन, बी वन मतलब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो बी का क्या है टू वन थ्री, और यहाँ पर देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या है बी टू का वन फोर टू, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, आई टू माइनस ट्वेल्व माइनस टेन माइनस जे फोर माइनस थ्री वन प्लस के एट माइनस वन सेवन, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, माइनस टेन आई माइनस जे प्लस सेवन के, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, बी वन क्रॉस बी टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेन का स्क्वायर हंड्रेड प्लस वन प्लस फोर्टी नाइन, तो यहाँ पे 150, अंडर रूट 150 को आप लिख सकते हो, फाइव रूट सिक्स लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी देखिए ये तीनों चीज़ हमें मिल गई, अभी हम फॉर्मूले में लिख देंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वॉट, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी देखिए हमें क्या मिला, माइनस आई माइनस जे प्लस के डॉट, बी क्या मिला है आपको, माइनस टेन आई माइनस जे प्लस सेवन के अपॉन मैग्नीट्यूड फाइव अंडर रूट सिक्स। इसे सिंप्लीफाई करते स्टूडेंट्स हमें आंसर मिल जाएगा, आई डॉट आई यहाँ पर हमें टेन मिल जाएगा, जे डॉट जे हमें वन मिल जाएगा, के डॉट के हमें यहाँ पे सेवन मिल जाएगा, सेवन फाइव रूट सिक्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एटीन अपॉन फाइव रूट सिक्स, यहाँ पे हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें जो आंसर दिया हुआ है एटीन फाइव रूट सिक्स इंटू सिक्स, सिक्स थ्री ज़ा, तो ये हमारा देखिए थ्री रूट सिक्स बाई फाइव, ये हमारा आंसर है, यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा ये हमने कैसे किया हुआ है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अगर जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए सेम टाइप्स के ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फॉर्मूला लर्न करिए, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे ही आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को हम स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए, ओके स्टूडेंट्स। एंड में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स पे शॉर्टकट मेथड्स के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, अगर आपको इजीली वो अवेलेबल नहीं होता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर शॉर्टकट मेथड्स का प्लेलिस्ट देखिए, और उसमें सारे शॉर्टकट मेथड मैंने रखा हुआ, आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक शेयर किया हुआ है वहाँ पर, आपको लिंक भी मिल जाएगी, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।